इस मॉड्यूल में हम फाइलम एकाइनोडर्मेटा के अंदर स्पीशीज़ स्टार फिश की लोकोमोशन को डिस्कस करेंगे स्टार फिश जो है वन ऑफ द रिप्रेज़ेंटेटिव ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा पूरे फाइलम एकाइनोडर्मेटा में अगर हम देखें तो जो ऑर्गन्स लोकोमोशन के लिए यूज़ होंगे उनको हम कहेंगे ट्यूब फीट ट्यूब फीट जो है ये स्टेपिंग मोशन में स्टार फिश को हेल्प करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटेंशंस अटैचमेंट्स कंट्रैक्शन ट्यूब फिड्स के साथ मसल्स अटैच है मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे रिलैक्स करेंगे और उसी की हेल्प से कंट्रेक्शन रिले ऑल्टरनेट कंट्रेक्शन ऑल्टरनेट रिलैक्सेशन उसी की हेल्प से स्टार फिश जो है दे विल मूव टू फ्राम द सबस्ट्रेटम अब इनकी लोकोमोशन में जो सिस्टम हेल्प करता है उस सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम अब नर्वस सिस्टम जो है दिस कोऑर्डिनेट्स द ट्यूब फीट सो दैट जितने भी इसके फीट हैं uh, uh, है, ट्यूब फीट एक बॉडी के अंदर दे विल ऑल मूव इन द सेम डायरेक्शन हाउ एवर ट्यूब फीट जो है दैट डू नाट मूव इन द सेम डायरेक्शन अब ट्यूब फीट्स के साथ जो स्ट्रक्चर अटैच है वो हैं इसके अंदर सक्शन डिस्क सक्शन डिस्क जो हैं ये अटैचमेंट के स्ट्रक्चर हैं ये अटैच करेंगे ट्यूब फिट स्टार फिश को किसी भी सबस्टेटम के साथ अटैच करेंगे अब जब ये अटैच हो जाएंगे तो दे विल अलाउ देम टू मेंटेन देयर पोजीशन और मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ एक्शन कि अगर स्टार फिश चूँकि मेरीन एनिमल्स हैं आ, समंदर में रह रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग वेव आती है तो उसकी बॉडी जो है उसका बैलेंस लूज़ नहीं होगा अगर स्टार फिश जो है इसके ट्यूब फीट अपने आप को किसी सबस्टेटम के साथ अटैच नहीं करेंगे अब सी स्टार्स जो हैं इनकी मूवमेंट में नर्वस सिस्टम के अलावा जो एक और सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है या हेल्प करता है वो है इसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम वाटर जो है ये आपको हमने मेड्रेपराइट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ओपन होते हैं उनके थ्रू वाटर बॉडी के अंदर एंटर होता है और फिर इसके बाद जो है मुख्तलफ़ किस्म की कैनाल्स हैं जिनके अंदर वाटर सर्कुलेट होता है वाटर सबसे पहले मेड्रिप्राइट ओपन होंगे वाटर एंटर होगा माउथ में आएगा माउथ से वाटर जो है वो आएगा स्टोन कैनाल में स्टोन कैनाल से आएगा फिर रिंग कैनाल में रिंग कैनाल से फिर आएगा ये रेडियल कैनाल्स में और ये सारी कैनाल्स हर एक आम के अंदर मौजूद है अब रेडियल कैनाल्स जो हैं दे विल कैरी वाटर टू द एम्पुले और एम्पुले जो है दिस प्रोवाइड सेक्शन टू द ट्यूब फीट इस डाइग्राम से हम देख सकते हैं कि वाटर लोको मोशन जो है वो किस तरह से स्ट्रक्चर दिस इज द मेड्रोपराइट दिस विल ओपन वाटर विल एंटर एंड दिस विल एंटर इन टू रिंग कैनाल रिंग कैनल से फिर ये रेडियल कैनाल रेडियल कैनाल से एंड पे फिर ये ट्यूब फीट ट्यूब फीट के साथ ये स्ट्रक्चर मौजूद हैं सकरस ये सर्कर्स किसी भी सबस्टेटम के साथ अटैच करेंगे और फिर ये कंट्रे, इनकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन उससे स्टारफिश जो है दे विल बी डिसप्लेसड फ्रॉम वन लोकेशन टू दी अनदर लोकेशन और उसमें दो सिस्टम जो हैं वो इसकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है इसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम that consists of madreporite ring canal radial canal tube feet and suckers so these two systems they work in coordination with one another and uh, starfish is having a quite good mechanism of locomotion one of the representative of phylum echinodermata to show the uh, phenomena of locomotion